हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन सबका मन में था कि गोवा से दारू कैसे लेके आए, क्या लाना पॉसिबल है, क्या इलीगल है, ला सकते हैं तो कितना ला सकते हैं और कैसे ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे इसको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं 3 4 दिन पहले, आई थिंक 22 दिसंबर, 22 दिसंबर शाम को आया था घर, तो वहाँ 4 दिन था, गोवा में मैं 4 दिन था। तो एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, ये दोनों बैगेज में मेरा 10 बोतल है, तो कितना ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं। एक्चुअली हम लोग 2 जन गए थे, तो 2 जन में वो कुछ लेके आया था, वो 3 बोतल साथ लेके आया था, तो मेरा वो 4 बोतल लेके, चार, हाँ वो 4, वो 2 लेके ले आया था और मैं उसे अपना 4 दिया था लाने के लिए। तो मैं उसे डिटेल्स में सारे बता रहा हूँ आपको। गोवा जाने और आने के लिए 3 रूट है। एक रूट है आपका बाई रोड, दूसरा हो गया आपका बाई ट्रेन, और तीसरा जो हो गया आपका बाई फ्लाइट, बाई एयर। तो बाई बस, बाई जो रोड है, तो उसमें क्या है कि जैसे आप बस में जाते हो या टैक्सी में या अपना अपना कार में, तो उसमें क्या होता है कि आने का टाइम में आपको कुछ भी लाने नहीं देंगे, एक बोतल शराब लाने नहीं देंगे, जितना छोटी हो बड़ी हो कुछ नहीं सुने वो लोग। ऐसे कहावत तो है वहाँ पे कि आप 2 लीटर लेके जा सकते हो, ये परमिट है, एक बोतल के 20 रुपये लगती है, वो दे देंगे, लेकिन बिल फिल कुछ नहीं काम करेगा वहाँ पे। बॉर्डर में बहुत टाइट सिक्योरिटी रहता है, खाली पुलिस नहीं रहता वहाँ पे, जैसे CRPF रहता है, एक्साइज डिपार्टमेंट के लोग रहते हैं, ये पूरा पूरा आपका पूरा छानबीन करेंगे, आपका कार का डिक्की से लेके सीट का नीचे तक डाउट होगा तो चेक करते हैं वो लोग। तो वहाँ पे लाना एकदम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये सोचे भी मत कि लेके आऊँ, क्योंकि आप जब पकड़ा जाएगा तो फिर कोई बात ही नहीं चलेगा वहाँ पे, ना बिल सुनेंगे ना कोई परमिट का काम आएगा, सीधा आपका बोतल पर जब्त कर लेंगे, प्लस फाइन भी लगा देंगे, ज़्यादा कुछ इधर उधर का बात आप करेंगे तो वहाँ पे ये सब नहीं चलेगा, सीधा लोग जब्त कर लेते हैं प्लस फाइन भी लगा देते हैं। तो आप घंटे भर बातें करेंगे, बहुत सारा इधर का बात होगा तो नहीं होगा। तो मीन्स आप अगर ये भी बोलेंगे कि चलो थोड़ा ले दे के, ये भी नहीं चलता, ले दे के सेटल करो मामला वो भी सेटल नहीं होता वहाँ पे, सुनते नहीं है वो लोग, डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो बहुत सारा, बहुत टाइट सिक्योरिटी है इन टाइम में, तो इतना आसानी से आप चले जाते हो, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आउट का टाइम में बहुत ज़्यादा लोग सिक्योरिटी चेकिंग करते हैं। तो बाय रोड तो भूल जाओ, बाकी रहा आपका ट्रेन। हाँ, कभी कभार अगर आप लकी हो गए तो छुप के लेके चला आए तो बोलेंगे भाई मैं तो लेके आया था, लेकिन वो क्या ना किस्मत वाली बात हो गया, तो खुल के मतलब आप डर डर के लेके आओगे वो ठीक नहीं रहेगा, हमेशा टेंशन रहेगा दिमाग में। हाँ, बाकी उसके बाद आता है ट्रेन में। ट्रेन में भी सेम रोल है, कोई लोकल गवर्नमेंट का टाइट नियम है, कुछ नहीं सुनते हैं उन लोग, उनका एक ही नियम है भाई लेके जा नहीं सकते, आप परमिट दिखाओ बिल दिखाओ, कुछ नहीं सुनेंगे वो लोग। ट्रेन में आपको जैसे सिक्योरिटी चेकिंग होता है, उसमें बच के निकल भी गए आप, किस्मत रहा स्कैन खराब था या कुछ समझ में मना लोग समझ नहीं पाए, या आप किसी दूसरा गली में इधर उधर के आ गए तो बच गए मान लीजिए, लेकिन जब ट्रेन में आके बैठ जाएंगे फिर आएंगे पुलिस, वहाँ का लोकल पुलिस आएंगे, लोकल पुलिस के साथ GRPF रहते हैं, CRPF के भी लोग रहते हैं, जो पर्टिकुलर जितना भी भीड़ हो वो हर एक बैग वो लोग चेक करते हैं, खोल के चेक करते हैं, ज़्यादा कुछ होगा तो डाउट करके भी, वो मान लीजिए किसी को छोड़ दिए तो रैंडम चेकिंग में भी आप आ सकते हो, रैंडम चेकिंग में भी पकड़े गए तो फिर गया, फिर फाइन दो, बोतल भी दो, वो सारे आपका जाएगा। तो ट्रेन और बाई रूट ये होगा नहीं, होगा आपका बाई फ्लाइट। बाई फ्लाइट में कोई इश्यू नहीं है आपका, कोई इश्यू नहीं है, मैं इंडिगो इंडिगो फ्लाइट से गया था और इंडिगो से ही आया था, तो मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ। तो उसमें क्या है आपका 2 3 रूल्स है, एक रोल आपका ड्राई स्टेट में अलाउ नहीं है, ड्राई स्टेट इन द मीन क्या है कि जैसे आपका हो गया आपका बिहार हो गया, गुजरात हो गया, ये दोनों स्टेट में अलाउ नहीं है। दूसरा जो नियम है, खुली बोतल नहीं होना चाहिए, खुली मतलब मतलब आपका बोतल खुला है, लूज है, आप यूज कर चुके हो थोड़ा बहुत, तो ये नहीं चलेगा, पूरा टाइट मैंने आपका जो बोतलिंग है वो आपका
सील्ड पैक में होनी चाहिए। तीसरा जो है 75% का अबव अल्कल नहीं होना चाहिए, 75% का ऊपर का अल्कल नहीं होना चाहिए। मतलब हम लोग का स्टैंडर्ड जो है इंडियन नियम रूल्स है 42.78% अल्कल रहता है। एक है जॉन पल, वो इंडियन कंपनी है, वो 55% तक यूज करता है। वो इंडियन कंपनी है, नाम सुन के ये मत सोचे कि फॉरेन कंपनी होगी, इंडियन कंपनी है, गोवा के बोटलिंग है, बहुत बढ़िया है वो, बहुत बढ़िया है, टेस्ट में बहुत बढ़िया है। तो वो 55% तक जाता, तो 75% कोई है ही नहीं। बाकी आप बियर जितना मर्जी ला सकते हो, क्योंकि वो बिलो 5% का अल्कोहल में गिना जाता है। वाइन और बियर जितना कुछ ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपका ध्यान रहे, ये जो बोतल ये जो बैग देख रहे हैं, और ये जो बैग, ये कैरी बैग है, इसमें 7 kg का अलाव है। इसमें खाली कपड़ा आपका अलाव होगा, कोई बोतल कोई वाइन कुछ नहीं आपका अलाव होगा। इसी में अलाव होगा आपका जो लगेज बैग है, उसमें 15 kg तक अलाव है। तो 15 kg में थोड़ा बस आपको कपड़ा भी रखना पड़ेगा ऊपर नीचे, क्योंकि आपको पता है जब फ्लाइट से आता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब जो जो कैरी होता है आपका फ्लाइट से लेके जहाँ आपको मिलेगा बैग मिलता है, वहाँ तक तो बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये लोग इतना केयर नहीं लेते, सीधा नीचे फेंक देते, तो मैंने केयरलेस होते हैं बहुत, इन शॉर्ट वेरी केयरलेस होते हैं वो लोग। तो आपको कपड़ा से बढ़िया से ढकना चाहिए, प्लस आपको बबल पैक कर दीजिए। वहाँ पर बोतल का 50 रुपये लगेगा, वो आगे वीडियो आप देख पाएंगे, कोई इशू नहीं है। उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे बबल पैक किया जाता है, उसमें 50 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, बट वो सेफ्टी है, वो आपको पीस ऑफ माइंड देगा। तो आगे के फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ कैसे क्या क्या कितना मैं लेके आया हूँ। आप 10 बोतल देख के ये मत सोचिए कि मैं अकेला लेके आया हूँ, नहीं, 6 बोतल तक अलाउ है। मतलब 750 ml वाली 6 बोतल अलाउ है, 1 लीटर वाली 5 अलाउ है। तो पर पर्सन, तो आपके साथ कोई दोस्त है कि आपका वाइफ है, आपका साथ और कोई है, तो उनका बैगेज में आप इसमें 6, दूसरे में 6, आप मतलब पर पर्सन 6 ला सकते हैं। आप फिर जितना पर्सन बढ़ जाएगा उतना आप लेके आ सकते हो। लेकिन हाँ, कोई छोटा बच्चा है तो उसका अलाउ नहीं होगा, मैंने बिलो 10 ईयर्स, बिलो 12 ईयर्स, तो वो अलाउ नहीं होगा। तो फिर देखते हैं कैसे क्या कितना मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। कितना बोतल लेके आया हूँ, इसमें से 6 बोतल है। 6 बोतल में देखिए है, एक ये है, दूसरा जो है टोटल 6 हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दिखाता हूँ आपको, एक हो गया ये, दूसरा हो गया समथिंग स्पेशल, ये एक हो गया, और एक डिवर्स हो गया, टोटल हो गया आपको 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 9, 10, ये 10 ही लाया मैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 कैसे लाया, ये पैकेजिंग क्यों किया गया था, एक एक बोतल का प्राइस क्या है, ये अपना उड़ीसा भुवनेश्वर में क्या प्राइस है, ये भी बता दूंगा, एक आपको कंपेयर करने में सुविधा होगा। तो आप लेके आएंगे उससे मतलब सेफ्टी कैसे रहेगा ये भी आपको बता दूंगा। वो 10 बोतल लेके मैं आया, सारे गोवा से ही है। तो फर्स्ट में मेरा थोड़ा डाउट था कि मैं इतना ला पाऊंगा नहीं ला पाऊंगा, कोई झमेला होगा, टूट जाएगा, कुछ होगा, तो इसलिए मैं नॉर्मल बोतल भी लेके आया। नॉर्मल बोतल यहाँ पे भी ये बहुत दाम है उड़ीसा में, इसका ये सब स्कॉच व्हिस्की है, ब्लेंडर स्कॉच व्हिस्की है, इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ये बहुत बढ़िया ब्लेंडर स्कॉच है, जो हाई फाई जो है ये थोड़ा ऊपर का है, जैक डेनियल हो गया, इस सारे मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
नेक्स्ट टाइम जब जाऊंगा तो इसका उपयोग उतना भी है, अच्छा अच्छा कुछ भी बोल लेते आऊंगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।